Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन, जैसा कि आपको पता चला होगा कि लॉकडाउन 4.0 भी आ गया है। तो लॉकडाउन 4.0 हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम हाई स्कूल की जो फिजिक्स है वो मैक्सिमम चैप्टर हम कवर कर लें। तो आपको जो है यहाँ पे दो चीज़ मिल जाएगी। हाई स्कूल की अगर आप मैथ देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ से आप मैथ देखिए, और हाई स्कूल की यहाँ पे फिजिक्स देखें। तो आपको दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाएंगी, हाई स्कूल की मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ताकि जो है आपका ये तीन सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका सिर्फ केवल नाम मात्र का दो चीज़ बचेगा, जो कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान है। तो अगर आप मैक्सिमम नंबर पाना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें और हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल में आप देख चुके होंगे, वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये जो है इंटर में भी टॉपिक है, इंटर वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, और मैं पूरा जो है विस्तार में बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल का है तो सिर्फ थोड़ा सा बता दें हाई स्कूल लेवल तक का। ये जो है क्लास हाई स्कूल और इंटर दोनों लेवल की रहेगी। अगर आप देखना चाहें तो आप मात्र 20 मिनट दीजिए, 20 मिनट में आपको ये लगेगा कि हाँ, ये क्लास वाकई में बहुत अच्छी क्लास है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर हमारा जो है वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आप एक कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलिएगा। आपकी पूरी नोट्स जो है मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं, तो मैं नोट्स साथ साथ बनवाते चलूंगा। और आप जो है आज से ही जो हमारी साइंस है, साइंस की क्लास आज से स्टार्ट हुई है, और आज से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चीजें मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहला चीज हमको ये पता चलता है, सबसे पहली चीज हमारे जानने की जिज्ञासा ये होगी कि आखिर ये प्रकाश है क्या, आखिर ये प्रकाश क्या है। तो अगर आपको प्रकाश जानना है तो प्रकाश जानने के लिए आप सबसे पहली परिभाषा लिखेंगे इस चैप्टर की। आप सबसे पहली परिभाषा लिखेंगे प्रकाश, कि प्रकाश क्या है। जो परिभाषाएं बड़ी रहेंगी वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, और जो छोटी परिभाषाएं रहेंगी वो मैं बोलूंगा, आप खुद लिखेंगे। तो आपको ये जानना है कि प्रकाश क्या है। भाई लाइट जल रही है, अभी मैं लाइट बंद कर दूंगा तो अंधेरा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो लाइट जो है कुछ कर रही है, उस लाइट से कुछ हो रहा है। अर्थात प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। परिभाषा आपकी यही बनेगी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश तो हमने बता दिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो आप ये परिभाषा लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? परावर्तन। तो अगला जो लिखा है वो है क्या? परावर्तन। तो परावर्तन क्या है? परावर्तन के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या, कि एक जो है चिकना तल ले लिया गया। क्या लिया गया? एक चिकना तल ले लिया गया। और चिकना का मतलब यह है कि यह आपका चिकना और पॉलिशदार तल है। पॉलिशदार, एक चिकना और पॉलिशदार तल लिया गया। और जब किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब कि ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, ठीक। और इसके बीच में अगर हम एक रेखा खींच दें, इस पर आप पटरी का प्रयोग करेंगे और इस पर एक रेखा खींचेंगे, तो ये आपका हो गया क्या? अभिनय।
जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पारदर्शी तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा आप लोग लिख लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और सुनिए, जो आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है ना, इसे कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और जो आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है इसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक, तो अब देखिए, ये आपका है कोण R और ये आपका है कोण I। ठीक, तो ये चीज आप देख लिए होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है। अगला हेडिंग हम डालेंगे परावर्तन के, परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम आखिर है क्या? तो ध्यान से समझिएगा कि परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। अगर आपको यह समझने में दिक्कत हुई हो तो एक मैं प्रयोग बताता हूं। आप घर में रहिए और शीशा रखे होंगे ना, शीशा नहीं जानते, शीशा का मतलब ये देखिए, यही इसमें आप लोग अपना चेहरा देखते होंगे। ठीक, तो इसको जो है देखिए, जब लाइट जो है पड़ती है हमारी, जब जो है लाइट, अब देखिए आपको चकाचौंधी लग रही होगी, चकाचौंधी लग रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी रोशनी यहां पर पड़ रही है। हम लोग छत पे चढ़कर एक खेल खेलते थे कि जब नहाने के बाद छत पे जाते थे तो दूसरे के छत पे जो रहता था इसी तरह उसके ऐसे चकाचौंधी लगाते थे ऐसे ऐसे। तो उसको ये किस लिए लगती है पता है? ये लगती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, सॉरी, प्रकाश के परावर्तन के कारण ये चकाचौंध लगती है। और इसका नियम क्या है परावर्तन का? इसके दो नियम है। तो इसमें लिखेंगे कि परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से दो नियम हैं? पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर। अब सोच रहे होंगे आपतन बिंदु क्या है, तो आपको हम बता दें कि इसे ही कहते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। ठीक, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही मतलब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक ही तल में होते हैं, इसका का मतलब हुआ, एक ही तल में होते हैं का मतलब है कि जैसे ये है हमारी आपतित किरण, ध्यान समझिएगा, इस तरह समझाता हूं, ये है आपकी आपतित किरण, ये है आपका आपतन बिंदु और ये है आपका परावर्तित किरण। तो ये तीनों एक ही तल में होंगे, मतलब कि ये नहीं, ये देखिए तीनों एक ही सीध में दिख रहे होंगे आपको। अगर भी मैं ऐसे कर लूं तो देखिए तीनों अलग अलग दिशा में हो गए, अर्थात एक सीध में नहीं है। तो अगर एक सीध में नहीं है तो ये परावर्तन का नियम नहीं कहलाएगा। परावर्तन का नियम है कि तीनों एक ही सीध में होने चाहिए। ठीक, और एक चीज और, जितनी दूरी ये इधर से इधर रहेगी, जितनी दूरी इसके इसके बीच में रहेगा उतनी दूरी जो है इसके इसके बीच में भी रहेगा, याद रखिएगा। तो यही परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या नियम है? दूसरा नियम आपका है कि कोण आई यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक, तो ये चीज है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है।
आपको नोट्स बनानी है, नोट्स बनाने के बाद उसकी फोटो खींच के हमारे फेसबुक पेज पे आपको भेजना है। फेसबुक पेज पे आप उसको भेजेंगे फेसबुक ग्रुप में, तो मैं देखूंगा कि आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फेसबुक पेज हमारे जोड़ने के लिए फेसबुक पेज से आप जो है चैनल पर जाइए, और चैनल पर जाने के बाद लास्ट में जब अबाउट लिखा होता है, लास्ट में अबाउट लिखा मिलेगा, वहीं पर नीचे देखेंगे तो लिखा होगा फेसबुक पेज और पीडीएफ फॉर ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। तो पीडीएफ फॉर ग्रुप पर आप क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पर आप जो है इसकी जब नोट्स बनाइएगा तो इसकी नोट्स की फोटो खींच के वहां पे भेजिएगा, तो मैं देखूंगा कि आप लोग नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। और जो भी नोट्स बनाएगा वो नीचे अपना नाम कमेंट में जरूर लिखेगा, ताकि मैं कल जो है अगले वीडियो में उसका नाम बता सकूं कि इन्होंने जो है अपनी नोट्स बनाई है और ये जो है हमारे साथ लगे हुए हैं पढ़ने में। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो ये दो नियम था, पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम हमारा था कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगला चलते हैं इसके बाद, इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे कि गोलीय दर्पण। अगली हेडिंग डालेंगे हम क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो आखिर ये गोलीय दर्पण है क्या? तो गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक, कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक। मतलब कि एक कांच का गोला होता है, एक कांच का गोला होता है, और यही कहलाता है क्या, गोलीय दर्पण कहलाता है। और दर्पण कब बनता है, जब इसकी एक सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं। मतलब कि अगर जो है हम इसकी एक सतह पर पॉलिश कर दें, इसकी एक सतह पर पॉलिश कर दें, तो ये हमारा जो है क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। या फिर इसकी एक सतह पर हम पॉलिश कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। तो गोलीय दर्पण क्या है कि परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक, गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक तल पर, जिसके एक तल पर पॉलिश की गई होती है, और जो पॉलिश की गई रहती है वो हमारा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। क्या? लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। आप अगर देखें तो आप जो है क्या करिएगा कि ये जो शीशा है ना, ये शीशा अगर आप तोड़ेंगे, वैसे खुलेगा नहीं, नहीं तो मैं अभी खोल के दिखा देता, तो इसके पिछले सतह पर क्या की गई है, इसके पिछले सतह पर पॉलिश की गई है, ठीक। तो ये जो पॉलिश की जाती है, ये पॉलिश किसकी किसकी की जाती है, लाल ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है, ठीक। ये देखिए, ये पॉलिश आपको दिख रही होगी, तो ये पॉलिश जो की जाती है, शीशों में लाल रंग की पॉलिश होती है, तो ये लाल ऑक्साइड का पेंट हुआ है जो लगा है, इसी की वजह से हमको क्या करता है, वो प्रतिबिंब दिखाता है। तो ये चीज है हमारा गोलीय दर्पण, परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो बैक करके एक बार फिर से देखिएगा और लिखिएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो याद रखिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन, अगर अभी हम इसी को बीच से काट दें, क्या करें, अगर अभी हम इसी को बीच से काट दें तो आपका दोनों दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों दर्पण आपका बन जाएगा। तो ये आपका बनेगा उत्तल दर्पण और ये आपका बनेगा अवतल दर्पण, ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी, उत्तल दर्पण की परिभाषा सुनिएगा, जब गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग, भाई इसको काट दिया ना, तो क्या लिखेंगे परिभाषा, गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग, भाई ये कटा हुआ भाग है, और कटा हुआ वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे तल से हो,
मतलब जब इस पर प्रकाश पड़ेगा ना तो प्रकाश का परावर्तन जो है इसके उठे हुए भाग पर, देखिए ये उठा है ना, ये हिस्सा उठा हुआ है, तो इसके उठे हुए भाग से अगर परावर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। उसी तरह जब प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से, तो यहां पर देखिए उसका दबा हुआ भाग है, तो जब प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो दर्पण की परिभाषा दोनों मैंने बता दी कि गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके उठे हुए तल पर हो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण के लिए हमने क्या बताया कि प्रकाश के परावर्तन का वह भाग जिसमें गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए भाग से होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। हमको जो पढ़ना है, जो पढ़ना है वो इसको पढ़ना है ठीक, लेकिन जानना दोनों को है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, उसी टर्म में आगे कुछ परिभाषाएं हैं, आगे जो है कुछ परिभाषाएं हैं, और वो परिभाषाएं क्या है हम देखते हैं। जो परिभाषाएं बनेंगी अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, अगली हेडिंग आप डालेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इसके लिए आपको गोलीय दर्पण जानना जरूरी होगा कि गोलीय दर्पण है क्या। तो ये आपका गोलीय दर्पण है ठीक, इसमें जो है हम मान ले रहे हैं यही आपका एक लेंस मान ले रहा हूं, ये आपका क्या है, ये आपका है केंद्र, इस गोलीय दर्पण का केंद्र है, क्या है, इस गोलीय दर्पण का केंद्र है। और देखिए यहां पर कोई बिंदु हम P मान ले रहे हैं और दूसरा ये चीज है इसको हम मानेंगे C, ये भी आपका P है ठीक। इसको आप अगर चाहें तो दो भाग, इसको पहले गोलीय दर्पण बना लीजिए, उसके बाद दो चित्र बना लीजिए, एक उत्तल दर्पण वाला बना लीजिए और एक अवतल दर्पण वाला बना लीजिए। तो चलिए हम एक एक परिभाषा देखेंगे। जो आपकी पहली परिभाषा है, सबसे पहली परिभाषा होगी वक्रता केंद्र। आखिर ये वक्रता केंद्र क्या है ठीक, तो वक्रता केंद्र का मतलब यह है कि गोलीय दर्पण ठीक, गोलीय दर्पण का केंद्र, गोलीय दर्पण का केंद्र जो होता है वही जो है हमारा दर्पण का केंद्र कहलाता है। मतलब कि गोलीय दर्पण का जो गोलीय दर्पण है ये जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो केंद्र होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले से कटा होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से, गोलीय दर्पण इसको जिस गोले से काटा गया है, जो गोला था हमारा जिस गोले से काटा गया है उस गोले का जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। फिर आगे अगले हेडिंग जो बनती है हमारी, जो अगली परिभाषा बनती है, दूसरी परिभाषा जो बनेगी हमारी वो बनेगी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कम से कम 50 लोग तो ये वीडियो जरूर देखें। और अगर 50 लोग देखेंगे तो मैं गारंटी करता हूं कि आपकी फिजिक्स का कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो आप न लगा पाए। तो चलिए वक्रता त्रिज्या देखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या की भी परिभाषा उसी तरह बनेगी, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, आप लोगों को यह समझ में आ रहा है ना कि जिस गोले का, जिस गोले का मतलब कि अभी मैंने बनाया ये पूरा गोला था, दर्पण का जब परिभाषा लिखा तो मैंने लिखा कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जब मैंने परिभाषा लिखा तो मैंने बोला था कि गोलीय दर्पण एक कटे हुए गोले का वह भाग है। तो उसी तरह जो गोला काटा गया था उसी काटे गए गोले की बात हो रही है। तो परिभाषा त्रिज्या की क्या परिभाषा बनेगी कि गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे हम
आर से प्रदर्शित करते हैं, किसे आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, और जो यही दूरी है ना यही कहलाती है आर, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, आप सोच रहे होंगे सर जी दूध यार कैसे लिख दे, तो दूध यार यही लिखे ही कि ये हमारा कौन दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण, तो ये जो है उत्तल दर्पण, ये हमारे अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या है और ये हमारा जो है उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या है। ठीक, अगली परिभाषा जो हम बने, अगली परिभाषा हमारा परिभाषा नंबर तीन, परिभाषा नंबर तीन हमारा बने दर्पण के ध्रुव का वाक। ठीक, दर्पण के ध्रुव का वाक, तो देखा है जो हम पाई खींचे ही ना, जो हम पाई खींचे ही अगर हम एक या इतना कह दी ना, तो यह जो ना है का हो जाए एक यम1 मान ले भाई हम, एक यम2 मान ले, और ये जो पाई खींच दी ना एक कहा जे परावर्तक तल, का कहा जे परावर्तक तल, और परावर्तक तल का मतलब क्या होता है, परावर्तक तल का मतलब होता है कि जहां पर परावर्तन मतलब जहां पर बिंदु से परावर्तित हो रही है किरणें। ठीक, तो जो पाली जितना पॉलिश किया गया तल है ना वही हमारा परावर्तक तल कहलाता है। तो ध्रुव की परिभाषा बनेगी कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यही परिभाषा आपकी बनेगी। तो ये थी आपकी परिभाषा किसकी, दर्पण के ध्रुव की। और अगला चौथी परिभाषा हमारी बनती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य मतलब मेन और अक्ष मतलब दिशा। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो परिभाषा बनेगी कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता त्रिज्या से होते हुए खींची गई सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। मतलब ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र से होते हुए एक सीधी रेखा आप खींच दीजिए तो वही आपका मुख्य अक्ष कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये थी आपकी परिभाषा किसकी, मुख्य अक्ष की। और अगली हेडिंग जो है दर्पण का द्वारक, जो कि आखिरी हेडिंग है आपकी, उसके बाद फिर मेन हेडिंग चलेगी। तो दर्पण का द्वारक क्या है, अभी मैंने बताया परावर्तक तल, तो परावर्तक तल के लंबाई को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल की लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। इन परिभाषाओं को सिर्फ समझना जरूरी है, इसको याद नहीं करना है, आप लोग याद रखिएगा, याद करने मत बैठिएगा, इसको केवल समझना है कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। तो हमने क्या बताया कि जो ये परावर्तक तल है ना इसी की लंबाई को हम क्या कहते हैं, इसी की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसके बाद जो मेन हेडिंग बनती है वो बनती है मुख्य फोकस की, जो मेन हेडिंग बनती है वो क्या बनती है, मेन और आखिरी हेडिंग आज के लेक्चर की, वो है मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस के लिए आपको दो चीज समझना जरूरी होगा, मैंने कहा कि मुख्य फोकस के लिए आपको दो चीज समझना, ये तो आपको पता ही है यम1 यम2, ठीक, ये आपका ध्रुव है P, अभी हमने परिभाषा बताया है ध्रुव की। उसके बाद ये आपका C है, ये आपका C, ठीक। अब देखिए होता क्या है, ये आपका ध्रुव है, होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण जो चलती है वो सीधी रेखा में चलती है, याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पारदर्शी तल पर पड़ती है, मैंने बोला अभी परिभाषा में कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पारदर्शी तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो जब ये प्रकाश किरण यहां पे पड़ेगी तो चूंकि ये पीछे पॉलिश की गई है तो इसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर के उसी दिशा में वापस लौट आएगा, यहां पे रहेगा,
वापस लौट आएगा। फिर देखिए, तो जहां पे ये मुख्य अक्ष को काटा है ना, जहां पर ये मुख्य अक्ष को काटा है यही कहलाता है मुख्य फोकस, और इसे हम यफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यफ से। मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। मतलब कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी। और जो ये दर्पण है हमारा उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण में क्या होता है कि जब मुख्य अक्ष के, भाई ये रेखा ऐसे ही तो है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक, देखिए ये सारी प्रकाश किरणें क्या चल रही हैं? समांतर चल रही हैं। एक शब्द में बोल रहा हूं समांतर, समांतर का मतलब है कि दोनों के बीच की दूरी जो हो वो समान हो, उसे ही हम समांतर कहेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, अब इसका फोकस तो हमारा इधर रहेगा ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है प्रकाश किरण तो अपवर्तन हो जाता है इसका। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब अगर अभी मैं यहां से देखूं तो हमको दिखेगा कि ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, ये जो आ रही है वो यहां से आ रही है, ठीक। तो यही जो है क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाएगा मुख्य फोकस। तो ये चीज आपको समझ में आया ना कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। यहां पे देखिए, तो ये जब परावर्तित हुई तो ये देखिए यहां से होकर गई, बिंदु यफ से होकर के गई है। देखिए सारी रेखाएं बिंदु यफ से होकर के गई है, और यहां पर बिंदु यफ से आती हुई प्रतीत हो रही है, डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट मतलब प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है कि ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, यहां से। तो वही चीज है, जैसे जैसे कि अगर मैं पूरब दिशा में खड़ा हूं, आप पश्चिम दिशा में हैं, और पूरब दिशा में मैं टॉर्च मार रहा हूं तो आपको क्या लगेगा कि ये प्रकाश किरण जो है पूर्व दिशा से आ रही है, ये कहेंगे आप कि प्रकाश किरण पूर्व दिशा से आ रही है। तो जब यहां रहेगा कोई इंसान और यहां से टॉर्च मारेगा तो इसको ऐसे लगेगा कि ये प्रकाश किरण जो है इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो वही चीज परिभाषा क्या बनेगी, लिखना स्टार्ट कीजिए, जब कोई प्रकाश किरण, परिभाषा लिखना स्टार्ट कीजिए, परिभाषा में लिखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल दर्पण का और ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का, ठीक। तो मुख्य फोकस की परिभाषा हमने बता दिया, और आखिरी देख लीजिए फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब है कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के, दर्पण के ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। मतलब जो ये दूरी है हमारी, ये दूरी क्या कहलाएगी, दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी। तो मतलब क्या परिभाषा बना कि दर्पण के ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और आज की जो आखिरी परिभाषा है वो परिभाषा है फोकस दूरी
तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसके लिए आपको एक ही चित्र की जरूरत है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आप जो है चित्र भी लगातार बनाते रहिएगा, परिभाषा के हिसाब से चित्र भी बनाइएगा जैसे जैसे मैं समझाया हूं। देखिए जो दूरी यहां से यहां तक की है ना, देख रहे हैं यार, जो दूरी यहां से यहां तक की है वही दूरी आपकी यहां से यहां तक की भी है। मतलब क्या हुआ कि जो है CF जो है ये बराबर है PF के। तो अगर CF और PF बराबर है तो PC बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2PF हो जाएगा कि नहीं। मतलब कि जो वक्रता त्रिज्या है यानी कि PC हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, अभी परिभाषा हमने बताया था। तो ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि R बराबर 2 और PF ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे यानी कि R बराबर 2F या फिर हम यहां से लिख सकते हैं F बराबर R अपान 2। तो यही चीज है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, क्या है F बराबर R अपान 2 या R बराबर 2F। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ये सूत्र आपको आगे काम में आएगा। ठीक, तो ये चीज आज हमने बता दिया। क्या क्या बताया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, आज हमने चार चीज पढ़ा। इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जितने लोगों को जानते हैं आप, अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार होगा तो आप सबके पास ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। ठीक, और आप वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए, वीडियो की जो नोट्स बनाए हैं आप नोट्स की फोटो खींच के वहां भेजिए, मैं देखूंगा कि आप लोग अच्छी नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, कहीं कमी होगी तो मैं बताऊंगा। और गारंटी करता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो 100 में से 100 नंबर मैथ में और 100 में से 90 नंबर 95 नंबर साइंस में दिलाने का दावा करता हूं। चलो।